नोएडा के सेक्टर 58 में बिना अनुमति के पार्क में नमाज पढ़ने पर पाबंदी के बाद ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर भागवत कथा को बंद करा दिया और तंबू भी खड़वा दिए, जिसके बाद लोगों में काफी रोष है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 37 में बिना अनुमति के चल रही भागवत कथा को प्राधिकरण के दस्ते ने रुकवा दिया। प्राधिकरण को जानकारी मिली थी कि सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के भागवत कथा हो रही है और कथा के बाद मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी। सूचना मिलने के बाद प्राधिकरण का अतिक्रमण विरोधी दस्ता मौके पर पहुंचा और कथा रुकवा कर टेंट उखड़वा दिया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस बल के आगे उनकी एक न चली। इस मामले में प्राधिकरण के अफसरों का कहना है कि बिना अनुमति सरकारी जमीन पर किसी तरह का आयोजन नहीं किया जा सकता। यदि कोई व्यक्ति नियम का उल्लंघन करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को नोएडा के सेक्टर 58 स्थित एक पार्क में नमाज पढ़ने पर जिला प्रशासन ने पाबंदी लगा दी थी। तब जिलाधिकारी और SSP ने साफ कहा था कि बिना अनुमति के किसी भी सरकारी जमीन पर कोई भी आयोजन करने की छूट नहीं दी जाएगी।